हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई यूनिक जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2023 के रिगार्डिंग। ये आपका ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको डिपार्टमेंट एंड पोस्ट, एग्जाम डेट, एग्जाम की पैटर्न, सारा कुछ आपको डिटेल वे में बताने वाली हो। तो आप लोग प्लीज अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वैकेंसी आई है इन्फोर्समेंट कॉन्स्टेबल 2023 के रिक्रूटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी होता क्या है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बोर्ड, जिसके थ्रू आपका इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी रिक्रूट की जाएगी। डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमीशन के अंडर, यानी कि परिवहन आयुक्त कार्यालय यूपी में ये वैकेंसीज आपको कंडक्ट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट आपका 447 रहेगा। तो आइए आपको बता देती हूँ कि कैटेगरी वाइज सीट क्या रहेगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 225 सीट्स रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 सीट रहेंगे, ओबीसी के लिए 99 सीट रहेगा, एससी वालों के लिए 93 सीट रहेगा, एसटी के लिए 13 सीट्स आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो आपका 7 जुलाई 2023 रहने वाला है और लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 28 जुलाई 2023 रहेगा। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है 7 जुलाई के, जस्ट उसके बाद आप कोशिश करो कि फॉर्म को अप्लाई कर दो। और रही बात फ्रेंड्स की एग्जाम की डेट क्या होगी, तो जिस हिसाब से आपको फॉर्म भरने का टाइम कम दिया गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो ये एग्जाम है जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो फॉर्म की फी है वो आपको ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, मेल फीमेल, हर किसी को फ्रेंड्स 25 रुपीज़ यहाँ पे लग रहा है। मतलब कि बहुत कम पैसे में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आपका एज लिमिट जो है फ्रेंड्स वो एज ऑन 1 जुलाई 2023 यहाँ पे काउंट होने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है 25 इयर्स। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ओबीसी और एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स के लिए और एससी एसटी को 5 इयर्स के लिए। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप 12th पास हो, साथ ही साथ अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेड 2023 का एग्जाम दिया हुआ है, आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आप एकदम एलिजिबल हो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पेड 2023 का यहाँ पे फ्रेंड्स मार्क्स कितना भी हो डजंट मैटर, आपके पास स्कोर कार्ड है, एग्जाम दिया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपका 3 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल होता है। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होता है, सेकंड आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब कि आपको कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है उसका टेस्ट लिया जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, बस इतना जानना होता है उनको। थर्ड आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो चलिए मैं आप आगे की प्रोसेसेस आपको बता दूं कि कैसे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड यहाँ पे उन्हीं लोगों का आएगा जिनका कि यूपी ट्रिपल एससी का जो स्कोर कार्ड है पेड 2023 का, उसमें हाईएस्ट परसेंटाइल वालों का ही एडमिट कार्ड आएगा, जिसका हाई रहेगा उसका आएगा। और अदरवाइज ये तो आयोग की तरफ से फैसला हुआ कि वो किसको बुलाने वाले, मैं बस ऐसे ही आपको एक जानकारी के तौर पर बता दे रही हूँ।
और फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न की आपकी बात करूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ना ही एग्जाम मेंशन किया है ना ही एग्जाम पैटर्न मेंशन किया है। बट यूपी का एग्जाम है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जनरली ये चार सब्जेक्ट जो है ऐसे तो आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, तो ये चारों सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ना, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनका ऑलमोस्ट सिलेबस जो सेम ही रहता है, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के मुकाबले में थोड़ा इजी रहता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो ताकि इसमें आपका हो जाए। क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा ये भी कुछ अभी बताया नहीं गया है, 100 भी पूछ सकता है, 200 भी पूछ सकता है, 400 भी पूछ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही एग्जाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपको वीडियो के मीडियम से एक ये क्लियर कर दूंगी कि आपका क्या एग्जाम है, कैसा होगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो और फॉर्म भर दो आप। उसके बाद बारी आती है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। तो पहले भी आपको बताया कि ये कोई हार्ड टेस्ट नहीं है कि आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, कोई स्किल टेस्ट, ये सब नहीं, बस आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं। तो ये तो जानना ज़रूरी होता है ना फ्रेंड्स कि कंप्यूटर का वहाँ वर्क करना है और आपको आएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप घबराना नहीं, टेंशन फ्री होकर फॉर्म अप्लाई कर देना। ज़्यादा कुछ यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, इजी होता है, आप कर लोगे। फ्रेंड्स इसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। सबसे पहले बता दूं कि हाइट में मेल कैंडिडेट्स के लिए ऑल कैटेगरी 168 सेंटीमीटर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बस एसटी वालों को 160 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पे चेस्ट ऑल कैटेगरी मेल के लिए 79-84 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, वही एसटी मेल के लिए 77-82 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट्स है। अब बात करते हैं फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स की हाइट जो है फ्रेंड्स ऑल कैटेगरी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर है, एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ना एक मिनिमम वेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपको 40 केजी मिनिमम वेट है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका रनिंग होता है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर्स की रनिंग होती है 27 मिनट में, वही फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है 16 मिनट में। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है फ्रेंड्स कि जो भी जो निर्धारित समय के अंदर में रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो लोग यहाँ पे डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग फिजिकल की भी तैयारी करने में लग ही जाओ ताकि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से आप चूक ना पाओ। उसके बाद होता है फ्रेंड्स आपका सिंपल डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आप इस जॉब को ज्वाइन कर लोगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। सो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि वो तो मिल जाएगा बट मुझे इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा मैम। तो चलो मैं बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा आपका ग्रुप सी का पोस्ट है तो सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको स्टार्टिंग में फ्रेंड्स पर मंथ 31,000-32,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी रहने वाला है। तो अच्छी सैलरी है तो अच्छे से मेहनत भी करो आप लोग ताकि आप लोग एक बार में क्रैक कर पाओ। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो भी आपको डिटेल बताया है यूपी ट्रिपल एससी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2023 की रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स अगर इसे समझने में कोई सी भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और चाहो फ्रेंड्स तो आप लोग इसके नोटिफिकेशन को भी एक बार थॉरो आउट रीड कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एक बार पढ़ लेना नोटिफिकेशन को। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को फ्रेंड्स ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग और भी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।